अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है लाडली, अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने। श्रीमद्भागवत पूजनम्। भागवत भगवान का ध्यान कर लीजिएगा। ओम पावका नः सरस्वती बाजे फिर बाजनी बते
यज्ञम वसुधिया वसु ध्यानार्थे पुष्पम तुलसी दलम समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पाद्यादि संपूज्य पाद्योपाद्यम समर्पयामि, हस्तोर्घ्यम समर्पयामि, मुखे आजमनियम समर्पयामि, सर्वांगेष्णानियम जलम समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चंदनम विलेपयामि, गंधम समर्पयामि, अक्षतान पुष्पाणि पुष्पमालां तुलसीपत्रम समर्पयामि, तुलसीं हिम रूपाञ्च रत्न रूपाञ्च मंजरीं भवमुखप्रदां तुभ्यं अर्पयामि हरिप्रियां। तुलसीपत्रम समर्पयामि, माल्यादीन सुगंधिनी माल्यत्यादीन वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। एतन्नैवेद्यं निवेदयामि, आत्मनियम पुनराजमनियम दुराजमनियम जलम समर्पयामि, अखंडित फलम ताम सदक्षिणागम नमस्करोमि। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। इन पूजा कर्मा कृत भागवत प्रभु प्रियता नमः। ओम व्यासाय विष्णु रूप ओम वंशी विभूषित करान नव निरदाभात पीतांबराधरण बिंब फलाधरोषात पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात अरविंद्र नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वम न जाने। श्री बाल कृष्णाय नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नमस्करोमि श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायतपत्र नेत्राव येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपाव व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दुबाहोरपरो हरि अभाललोचना शंभुर्भगवान् बादरायणः। अथ मूल ग्रंथ पूजना। ओम जनमाद्यस्य यतोन्वयादि तरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयो तेजो वारिवृदां यथा विनमयो यत्रत्र सर्गो मषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत महापुराण मूल ग्रंथाय नमः। मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल प्रीति रीति दोवन की, मंगल प्रीति रीति दोवन की, मंगल कांति हसनी दसनन की, मंगल मुरली बिना धुन की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल बनिक त्रिभंग हरि की, मंगल सेवा सब सहचर की, मंगल सिर चंद्रिका मुकुट की, मंगल छवि नैनर में फट की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल छटाफ भी अंग अंग की, मंगल गोर श्याम रस रंग की, मंगल अति कटी पियरे पट की, मंगल चित बनी नागर नट की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल शोभा कमल नयन की, मंगल माधुरी मृदुल बहन की, मंगल वृंदावन मगट की, मंगल क्रीड़न जमुना तट की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल चरण अरुण तरुबन के, मंगल
मंगल करनी भगति हरिजन की, मंगल जुगल प्रिया भावन की, मंगल सी राधा जीवन की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल प्रीति रीति दोवन की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की, मंगल आरती प्रिया प्रीतम की। ज्ञम समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखुदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः सर्वा शान्तिरिति पुष्पै देवावेदनम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। हरि ओम जगने न जगनमय जंत देवास्तान धर्मान प्रथमान्यासन्नाव ते हनाकं महिमानाव सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संत देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय गुरुमहे श्रमेकामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पार्वेट्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं चमन्दपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुभिरान्तादापरार्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराजति तदप्ये सश्लोको अविनीयतो मरुतः परिवेटारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविज्ञतस्य कामपरे विश्वे देवासवासद इति। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सम्बाहुभ्यान्धमति सम्पदत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् दैव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो वीर प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकावकुलचम्बकपाटलाभ्यै पुन्नागजातकरवीलरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीवि स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। विभूषित
दाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाद रो Tam
सर्वभूत हृदयम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम् शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगम् वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये श्रीवृन्दावन विहारी लाल की जय श्रीरामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री नीम करौली भगवान की ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव श्री गोविंद दामोदर स्तोत्रम् करारविंदे नपदारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तं पटस्य पात्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसास्वरां श्रीकृष्णगोविन्द हरे Oh.
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कलतरु भवाब्दिपोतम श्री व्रजजन वंदन श्री वृंदावन चंदन श्री यशोदानंदन भगवान श्री बालकृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान के चौथे दिवस की कथा को यहाँ प्रारंभ करते हैं। कल के कथा सत्र में
भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित को श्रीमन नारायण के श्री नरसिंह अवतार की कथा कही। स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम, अपने भक्त प्रहलाद के मुख से निकले वाक्य को सत्य करने के लिए, हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए भगवान नारायण पत्थर के स्तंभ से विचित्र नरहरि रूप लेकर के प्रकट हुए। ना पूरे पशु ना पूरे मनुष्य, मुख रखा सिंह का और शरीर रखा मनुष्य का। भगवान ने अधर्म का नाश किया, धर्म की मर्यादा की स्थापना की और श्री प्रहलाद जी को राज गद्दी प्रदान की। दक्षिण भारत में जब हम जाते हैं तो श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान का दर्शन हम लोगों को होता है। दक्षिण भारत में लक्ष्मी जी के साथ श्री नरसिंह भगवान विराजमान है, भगवान की बड़ी दिव्य झांकी का दर्शन होता है। जैसे हमारे यहां भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र होता है, ऐसे ही श्री नरसिंह भगवान का भी महामृत्युंजय मंत्र होता है। भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र से जो फल मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा फल भगवान नरसिंह के महामृत्युंजय मंत्र से मिलता है। और मृत्योर मृत्युर नमाम्यहम, उस महामृत्युंजय मंत्र में कहा गया कि हे नरसिंह भगवान, आप तो मृत्युओं की भी मृत्यु हो, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। जो मृत्यु की भी मृत्यु हो, मृत्यु भी जिसके अधीन हो, ऐसे हैं श्री नरसिंह भगवान। बड़ा ही विचित्र इनका अनुष्ठान भी होता है। महाराज श्री नरसिंह कवच आदि आदि। लक्ष्मी नरसिंह भगवान की आराधना दक्षिण भारत में होती है। तंत्र शास्त्र में भगवान नरसिंह को ऐसा माना जाता है कि यदि किसी के ऊपर कोई कितनी बड़ी विपदा तंत्र के द्वारा क्यों ना आई हो, यदि भगवान नरसिंह का विधिवत पूजन कर लिया जाए तो अपने ऊपर आई हुई कोई भी बड़ी से बड़ी बाधा भगवान नरसिंह के सामने दूर हो जाती है। भगवान शंकर तो स्वयं श्रीमन नारायण का ही भजन करते हैं और श्रीमन नारायण भगवान शंकर का भजन करते हैं। भगवान शंकर का वर्ण है गौर, है ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। गौर वर्ण है भगवान शंकर का और भगवान नारायण का वर्ण बोले नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील वर्ण श्याम वर्ण भगवान नारायण का है। लेकिन एक बात में रहस्य की आपको कहूं, मूल में भगवान शंकर का जो गौर वर्ण है ये भगवान नारायण का है और भगवान नारायण का जो श्याम वर्ण है ये भगवान शंकर का वर्ण है। लेकिन महाराज फिर ये परिवर्तन दोनों में कैसे हो गया? बोले देखो, इष्ट का जब भजन किया जाता है, इष्ट का जब चिंतन किया जाता है तो उसके रूप का तादात्म अपने अंदर होने लग जाता है। भगवान शंकर भगवान नारायण का इतना भजन करते हैं कि भजन करते 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 भगवान नारायण का गौरवर्ण भगवान शंकर को प्राप्त हो गया।
और भगवान नारायण भगवान शंकर का इतना भजन करते हैं, इतना स्मरण करते हैं कि करते 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 भगवान शंकर का श्याम वर्ण श्रीमन नारायण को प्राप्त हो गया। तो ये जो दोनों का दर्शन है, ये दर्शन उन दोनों के हृदय में जो बैठा है उनके कारण है। हरि और हर का तादात्म ऐसा ही है। भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। शास्त्र ये कहते हैं माता की आज्ञा, पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा बिना विचार किए हुए माननी चाहिए। लेकिन यदि माता के अंदर से मातृत्व भाव ना बोले, पिता के अंदर से पितृत्व भाव ना बोले, गुरु के अंदर से गुरुत्व भाव का दर्शन ना हो, तो शास्त्र ये भी कहते हैं कि इनकी आज्ञा को नहीं मानना चाहिए। अब देखो, यदि शास्त्र अनुसार चलें तो श्री प्रहलाद जी को भगवान नारायण का भजन बंद कर देना चाहिए था, उनके पिता की आज्ञा थी। तो यदि आज्ञा ही माननी है तो भगवान का भजन बंद हो जाता। लेकिन जब हिरण्यकशिपु के अंदर से, पिता के अंदर से पितृत्व भाव ना बोला, स्वार्थ बोला, तो प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार ना किया। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि देखो प्रहलाद ने अपने पिता की भक्ति कहां की। अरे श्रेष्ठ तो तब होता जब अपने पिता का कहां मानते। लेकिन पिता के अंदर से पितृत्व भाव नहीं बोल रहा है, इसलिए यह भी विचार करना पड़ता है कि अंदर की स्थिति क्या है। महाराज भक्ति मार्ग में श्री मीराबाई का नाम बड़ा अग्रगण्य है। हमारे श्री वृंदावन धाम में भी श्री मीराबाई आई, ध्यान रखना। और जहां उन्होंने वास किया श्री वृंदावन में, आज भी वहां मीराबाई का मंदिर है। और उस मंदिर की विशेष बात यह है कि उस मंदिर में मेरे गोविंद के एक ओर श्री राधा रानी खड़ी हैं और दूसरी ओर श्री मीराबाई खड़ी हुई हैं। अब बताओ ऐसा दर्शन आपने श्री कृष्ण का कहीं किया है? श्री वृंदावन में बहुत प्राचीन सिद्ध मंदिर है, आज भी लोग बड़े प्रेम से दर्शन करने जाते हैं। श्री मीराबाई जब श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चली तो उनके अपने ही ससुराल वाले उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगे। राजघराने को ये उन्मत्त भक्ति भगवान की समझ में ना आई, मर्यादा का उल्लंघन इसमें राजघराने को दिखाई दिया, तो मीराबाई के मार्ग को बदलने का अनेक प्रकार से प्रयास किया गया। लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई सुरक्षित ही रही। फिर एक दिन श्री मीराबाई ने विचार किया कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या करना उचित है, कौन करे मेरा मार्गदर्शन। तो श्री मीराबाई को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण आया। तुलसीदास जी और मीराबाई समकालीन थे, ध्यान रखना। जिन तुलसीदास जी ने 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन के अंदर श्री रामचरितमानस की रचना की, उन तुलसीदास जी का स्मरण मीराबाई को आया। और मीराबाई ने एक पत्र तुलसीदास जी के लिए लिखा। ये पत्र गोस्वामी तुलसीदास जी के पास पहुंचा और उन्होंने जब इस पत्र को खोल करके देखा तो मीराबाई ने उसमें लिखा था कि श्री तुलसी सुख निधान दुख हरण गोसाई, घर के जेते सुजन हमारे तिन मिल बड़ उपाधि उठाई, और हमको कहा उचित है करिवो लिखो शोक समझाई। मीराबाई ने कहा
कि हे तुलसीदास जी, हे सुख निधान, हे दुख का हरण करने वाले, हे गोसाई, मेरे अपने ही स्वजन, मेरे अपने ही सगे संबंधी अब मेरी मार्ग में बाधा हैं। मैं श्री कृष्ण भक्ति को करना चाहती हूँ, तो आप मेरा मार्गदर्शन करिए, मेरे लिए क्या करना उचित है। हमको कहा उचित है करिबो लिखो शोक समझाई। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीराबाई को उत्तर में एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने एक पद की रचना की। ये पत्र मीराबाई के पास पहुंचा और मीराबाई ने जब इस पत्र को खोला तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें लिखा था कि हे मीराबाई, ध्यान रखना, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेह। अब तुलसीदास जी के इष्ट सीताराम है तो अपने इष्ट का नाम लिख दिया। कहा जाके प्रिय न राम वैदेही, जिनको सीताराम से प्रेम ना हो, जिनको राधा कृष्ण से प्रेम ना हो, तो तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेह। उसको कोटि बैरी सम समझ करके त्याग देना चाहिए, चाहे वो कितना ही परम स्नेही सगा संबंधी स्वजन क्यों ना हो। इसलिए छोड़ो अपने घर को और निकलो बाहर श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग में। तुलसीदास जी ने कुछ उदाहरण उस पद में मीराबाई को लिखे। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बंतहि भय मुद मंगलकारी। देखो मीराबाई, अरे प्रहलाद ने तो अपने पिता को त्याग दिया भगवान की भक्ति के लिए, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया भगवान की भक्ति के लिए, भरत ने अपनी माता को त्याग दिया भगवान के प्रेम के लिए, बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया भगवत प्रेम के लिए, ब्रज की गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए सर्वस्व को त्याग दिया, और भय मुद मंगलकारी, ये सब मंगलकारी हुए। आज भी हम लोग इनके नाम का गान करते हैं। अब शास्त्र अनुसार चलें तो प्रहलाद को पिता की आज्ञा माननी चाहिए, लेकिन पिता से पितृत्व भाव नहीं बोल रहा, विभीषण के भाई के अंदर से भातृत्व भाव नहीं बोल रहा, भरत की माता के अंदर से मातृत्व भाव नहीं बोल रहा, बलि के गुरु के अंदर से गुरुत्व भाव का दर्शन नहीं हो रहा। भय मुद मंगलकारी, इन सब ने छोड़ा भगवान की भक्ति के लिए और ये सब मंगलकारी हुए। तुलसीदास जी के पत्र को पढ़कर के उत्तर में मीराबाई ने अपने घर को त्यागा और श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग पर निकल गए। श्री मीराबाई श्री वृंदावन में जब आई ना सज्जनों, तो एक स्थान पर वो उन्मत्त होकर के कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगी। भीड़ लग गई चारों। अब मीराबाई तो नेत्र बंद करके उन्मत्त होकर कृष्ण नाम को गा रही है। गाते गाते अचानक वो राग से भटक गई। अब राग से भटक गई, गा रही है भावामग्न प्रेमामग्न, तो उस भीड़ में एक संगीत का जानकार भी खड़ा हुआ है। उसने तुरंत मीराबाई के सामने जो दीवाल है उस पर लिख दिया कि राग से गाओ। अब मीराबाई उन्मत्त होकर के नाच रही हैं। जैसे ही उनके नेत्र खुले तो सामने लिखा था दीवाल पर राग से गाओ। मीराबाई ने जब देखा तो उनको बड़ी हंसी आई और वो चलकर के आई। उन्होंने उस राग के आगे अनु शब्द को जोड़ दिया और लिख दिया अनुराग से गाओ। अब या तो राग से गाओ या अनुराग से गाओ। राग से गाने पर हो सकता है भगवान ना मिले,
लेकिन अनुराग से गाने पर निश्चित रूप से श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। राग से ज्यादा महिमा अनुराग की होती है। तो मीराबाई ने भी अपने घर को त्यागा श्री कृष्ण भक्ति के लिए। भक्ति का मार्ग कठिन है। प्रहलाद को राजगद्दी मिली, सनत कुमारों के अवतार श्रीमन नारायण का इन्होंने बहुत भजन किया है। माला पर भजन करना यह श्रेष्ठ बात है। तीन प्रकार की माला होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसी। तुलसी की माला को सात्विक माना जाता है, रुद्राक्ष की माला को राजसिक माना जाता है और हरिद्रा अथवा तो मनुष्य की हड्डी से बनी माला जो होती है उसको तामसी माना जाता है। जैसे लोग तुलसी की माला पर भजन करते हैं ना, ऐसे ही मनुष्य की हड्डी से भी मन के बना करके माला बनाई जाती है और तंत्र शास्त्र में लोग उस पर भजन करते हैं। माला भी कई प्रकार की होती है, सात्विक है, राजसिक है, तामसी है। माला के अंदर कितने मन के होते हैं? 108 होते हैं ना सब। 108 मनकों का विधान माला के अंदर है। क्यों है 108 मनकों का विधान? ये जो हमारे हाथ में माला जिस पर हम भजन करते हैं, इस माला का संबंध ब्रह्मांड से होता है। धरती के किसी भी कोने में किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जब माला को फेरा जाता है तो ये माला अनंत ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। इतना सामर्थ्य माला के अंदर होता है। हमारे यहाँ अंडपिंड सिद्धांत होता है एक, और उस सिद्धांत के अनुसार नक्षत्रों की संख्या 27 होती है। अब देखो 27 नक्षत्र हैं, प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं। इस अनुसार यदि 27 का गुणा 4 से किया जावे तो कितना आएगा? 108 ही तो आएगा ना। ऋषियों ने इसीलिए माला में 108 मन के बनाए। आपकी एक माला 27 नक्षत्रों को प्रभावित कर देती है। प्रत्येक नक्षत्र चारों ओर घूमता है, इस अनुसार भी यदि 27 का गुणा 4 से किया जाएगा तो 108 ही निकल करके आएगा। 108 मन के बनाए गए। अब देखो माला के दोनों छोर जिस मनके पर आके मिलते हैं उसको सुमेरु कहा जाता है। उसको हम लोग लांगते नहीं हैं और माला को वापस घुमा के फिर जब प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मांड के दोनों छोर भी जिस स्थान पर आकर के मिलते हैं उसको सुमेरु पर्वत के नाम से जाना जाता है। माला में भी सुमेरु मन का होता है। अब 24 घंटे में 21,600 बार हमने श्वास ली। शास्त्रों ने कहा प्रत्येक श्वास पर गोविंद का नाम ले लो प्यारे। कहा महाराज रात की श्वास सोने में चली गई, दिन में और भी बहुत कुछ करना है। अब किसी की शादी है तो उसमें भी जाना पड़ेगा, किसी का जन्मदिन है उसमें भी जाना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ भी थोड़ा वहां भी, तो कैसे हर श्वास पर भगवान का नाम हो? तो कहा चिंता मत करो, हम माला का विधान बनाए देते हैं। ऋषियों ने 108 मनके की माला बनाई। प्रेम से भाव से एक माला फेरने पर उसका 100 गुना फल हमको प्राप्त होता है। इस अनुसार यदि 108 मनके की माला है और उसका गुणा 100 से किया जाए तो कितना आएगा? 10,800। और यदि दो मालाएं फेर ली तो कितना हो जाएगा? 21,600।
तो यदि दो माला भी प्रतिदिन प्रेम से फेर ली प्रभु के नाम की, तो 21,600 जो श्वासें हम 24 घंटे में लेते हैं, उन प्रत्येक श्वास के हिसाब में भगवान के नाम का जप, उसका फल हमें प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से दो माला तो करें, और भैया जो माला करता है वही माला माल होता है, ध्यान रखना। यदि माला फेरोगे तो माल आएगा। कहा महाराज ये माल क्या होता है थोड़ा बताइए, समझ में नहीं आई बात। अरे माल माने भगवान नाम का माल, यही तो माल होता है। इसी माल का कमाल होता है, भगवान का नाम, इससे बढ़कर के और क्या जीवन में अर्जित करना चाहोगे। यदि भगवान नाम भरता हुआ चला गया तो इससे श्रेष्ठ और क्या चाहिए। जैसी माला पर भजन करते हैं हमारे अंदर उसी गुण की प्रधानता होने लगती है। सात्विक माला से सात्विक गुण की वृद्धि होती है, राजसी माला से राजसी गुण की वृद्धि होती है, और तामसी माला से तामसी गुण की वृद्धि होती है। तुलसी की माला भगवान को बड़ी प्रिय है, इसलिए वैष्णवों को गले में भी तुलसी की माला पहननी चाहिए और तुलसी की माला पर ही भजन करना चाहिए। कंठ में हम लोग तुलसी की माला पहनते हैं, इसलिए उसको कंठी कहा जाता है, कंठ के कारण वो कंठी है। ये गले में माला पहनना तुलसी की क्या है? दो बातें, पहला आहार शुद्धि और दूसरा प्रत्येक श्वास पर प्रभु का नाम। अब कंठ से दो ही तो काम करते हो, भोजन को नीचे ले जाते हो और श्वास लेके जीवन जीते हो। गले पर जब माला चमकेगी तुलसी की तो आपको बार बार याद कराएगी कि भैया सात्विक भोजन करना, बड़ी कठिनाई होती है गले से नीचे उतारने में, तामसी भोजन ना करना, कंठ का ध्यान रखना। ये माला को देखोगे बार बार तो स्मरण आएगा कि चलो कुछ श्वासों पर तो भगवान का नाम ले ही लें हम। माला की महिमा है, खूब भजन करें, खूब माला फेरें, घूमे ये माला। माला घूमती है तो सब कुछ अच्छा होता है। महाराज हम लोग तो जब संकीर्तन करते हैं तो ताली बजाने में भी संकोच हो जाता है, थोड़ा माला हाथ में रखनी पड़ जाए तो माला रखने में हमको संकोच हो जाता है। मैं लोगों को देखता हूँ, बड़ी विडंबना है, यदि ये कह दिया जाए कि थोड़ा चंदन लगा लो माथे पर तो सोच में पड़ जाते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। जिन नालायकों को ये पसंद नहीं उनको तो काल ठीक कर देगा, चले जाएंगे काल के गाल में एकदम। लेकिन ये समझ लेना कि जो ये करेगा भगवान की कृपा उसको ही प्राप्त होगी। चंदन लगाने में क्या संकोच करना है? अपने धर्म अपनी संस्कृति के सद्गुणों को धारण करने में संकोच क्यों होता है? अन्य धर्मों के लोगों को जब अपने धर्मों की चीज धारण करने में संकोच नहीं है तो हमें कैसा संकोच? चंदन लगाना चाहिए। चंदन को भगवान का सिंहासन माना गया है, और माथे पर जब हम चंदन लगाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हम प्रभु का आह्वान करते हैं, राधा रानी और गोविंद को सिंहासन देते हैं अपने ब्रह्मरंध्र पर विराजमान होने के लिए। चंदन की महिमा है। चंदन लगाने से ज्ञान वृद्धि होती है। देखो बृहस्पति, मैंने आपको बताया था ना पहले, बृहस्पति संतुष्ट हो तो ज्ञान वृद्धि होती है, और बृहस्पति के लिए पीला पुखराज पहना जाता है। केले की पूजा करते हैं ना बृहस्पतिवार को, बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए। यदि केवल चंदन लगा लो आप तो इतने मात्र से बृहस्पति आपसे संतुष्ट हो जाएंगे और उनकी कृपा आपको मिलेगी। अरे हमारे यहाँ तो यहाँ तक कह दिया कि यदि चंदन ना मिले तो केवल जल में उंगली डाल करके माथे पर चंदन के भाव से यदि लगा ली जाए तो चंदन लगाने का ही फल हमको प्राप्त हो जाएगा।
ऐसा विधान बताया गया। यदि माथे पर लगाने की इच्छा नहीं है तो गले में लगा लो एक टीका, भैया क्या तकलीफ है, किसी को दिखाई भी ना दे और अपना काम हो जाए, है ऐसे ही कर लो, कैसे भी मानो तो सही। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, माला पर भजन करें, तुलसी दल भगवान का चरणामृत लें, चंदन को धारण करें, ये हमें करना चाहिए। हम नहीं करेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों को ये समझ में ना आएगा, इसका विस्तार ना हो पाएगा, ये संस्कार लुप्त ना हो जाए, इनका ध्यान भी रखना है। और किसी भी पीढ़ी को ये संस्कार अगली पीढ़ी को देने की जिम्मेदारी होती है, और जो पीढ़ी ये संस्कार अगली पीढ़ियों को नहीं देती, निश्चित रूप से वो जिम्मेदार होती है अगली पीढ़ी के संस्कार की हीनता के लिए। देने चाहिए संस्कार। महाराज सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इसके बाद चारों प्रकार के वर्णों और आश्रमों का वर्णन कर दिया। परीक्षित जी ने हाथ जोड़कर के कहा, गुरुदेव आपने स्वयंभू मनु के वंश का बहुत विस्तार से मुझे वर्णन किया, अब थोड़ा अन्य मनवंतरों के बारे में मैं जानना चाहता हूं। भगवान ने इन अन्य मनवंतरों में कौन कौन सी प्रमुख लीलाएं की हैं, कृपया आप मुझसे कहिए। सुखदेव जी ने कहा, राजन सबसे पहला हुआ स्वयंभू मनवंतर, दूसरा हुआ स्वारोचिष मनवंतर, तीसरा हुआ उत्तम मनवंतर और चौथा हुआ तामस मनवंतर। इसी तामस मनवंतर में भगवान नारायण वैकुंठ लोक से दौड़ करके आए एक हाथी को मगरमच्छ से बचाने के लिए, गज को ग्राह से बचाने के लिए भगवान दौड़ करके आए। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव क्या कह रहे हैं आप, जिन भगवान का दर्शन बड़े बड़े ऋषियों को प्राप्त नहीं हो पाता वो एक जंगली पशु को बचाने के लिए दौड़ते हुए आए, आश्चर्य। इस कथा को आप मुझे कहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जीवन की विडंबना यह है कि दुख में तो भगवान का स्मरण होता है, सुख में होता नहीं, और यदि सुख में भगवान का स्मरण होता रहे तो जीवन में दुख की अनुभूति होगी ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख में भी तो स्मरण करो। आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुतः। बहुत समय पहले परीक्षित, क्षीर सागर में एक त्रिकूट पर्वत था। त्रि माने तीन, कूट माने पर्वत। इस त्रिकूट पर्वत के तीन शिखर हैं। बड़ा ही सुंदर और दिव्य ये त्रिकूट पर्वत है। 10,000 योजन की इसकी ऊंचाई है और इसके तीनों शिखर ऊपर से एक सोने का बना है, एक चांदी का बना है, एक लोहे का बना हुआ है। इस पर्वत की तराई में सुंदर घना वन है और त्रिकूट पर्वत की तराई के वनों में अनेक पशु पक्षी वास करते हैं। इस तराई में भगवान वरुण का एक बगीचा है जिसका नाम है ऋतुमान। महाराज ये सुंदर बगीचा और ऋतुमान बगीचे के बीच में एक दिव्य सरोवर है। सुंदर कमल के फूल इस सरोवर में खिले हुए हैं, भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं, पक्षी मधुर कलरव कर रहे हैं। बड़ा ही रमणीय है वातावरण इस ऋतुमान बगीचे का। त्रिकूट पर्वत के घने जंगलों में वास करता है एक अभिमानी हाथी गजेंद्र। अनेकों इसकी पत्नियां हैं, बहुत से इसके बच्चे हैं, और इस अभिमानी हाथी को अपने विशाल परिवार, अपने बल का बड़ा अभिमान है। गजेंद्र मन में सोचता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है।
है हाथी लेकिन जंगल का राजा है। जब ये गजेंद्र चलता है तो सिंह भी भयभीत तो होकर के अपनी अपनी कंदराओं में जाकर के छिप जाते हैं। एक दिन ये अभिमानी गजेंद्र बैठा है, तब ऋतुवान बगीचे के सरोवर के कमल की गंध वायु के द्वारा बहती हुई इसकी सूंड तक जा पहुंची। हाथी ने जैसे ही कमल की गंध को सूंघा, ये तो मदमस्त हो गया और मन में विचार किया, अरे ये किस सरोवर के कमल की गंध, मैंने अभी तक इसमें जल किलोल ना किया, जल क्रीड़ा ना की, तो चलो मैं पत्नी और बच्चों को लेके जाऊं और इस सरोवर में स्नान करूं। आज मन में ऐसा विचार करके अपनी सभी पत्नी और बच्चों को साथ लेकर के ये अभिमानी गजेंद्र ऋतुमान बगीचे की ओर चला। दिव्य सफेद दांत जिसके चमक रहे हैं, विशाल जिसका मस्तक, लंबी जिसकी सूंड, बड़े बड़े जिसके कान, विशाल जिसका उदर, विशाल जिसके पैर, ये अभिमानी गजेंद्र अपने परिवार को लेकर के चला इस ऋतुमान बगीचे की ओर। महाराज गजेंद्र के चलने से पूरा का पूरा त्रिकूट पर्वत कांपने लग गया, पशु पक्षी भयभीत होकर के भागने लगे, भागो भागो गजेंद्र आया, गजेंद्र आया, गजेंद्र आया। बड़े बड़े वृक्षों को टक्कर मार के धूल में मिला दिया, पौधों को पैरों से कुचलता हुआ, सबको भयभीत करता हुआ अपने विशाल परिवार को लेके ये ऋतुमान बगीचे के अंदर प्रवेश कर गया। छोटे छोटे नेत्रे टकटकी लगा कर के सरोवर को देखने लगा। पत्नी और बच्चों से कहा, चलो थोड़ा जल क्रीड़ा करें, जल के लोल करें हम। और अपने परिवार को लेकर के सरोवर के जल में उतर करके आ गया। अब तो महाराज सूंड में जल भरा और एक दूसरे पर डालने लगे, एक दूसरे पर जल छोड़ने लगे, कमल के फूल तोड़ करके एक दूसरे के मुख पर मारने लगे। हाँ, जल किलोल हो रहा है, जल में हलचल होने लगी, तरंग उठने लगी। पक्षी भयभीत होकर के दूर वृक्षों पर बैठ गए और अभिमानी गजेंद्र को जल में स्नान करता हुआ देखने लगे। इस सरोवर के दूसरे कोने पर एक शक्तिशाली ग्रह बैठा है, नेत्र इसके बंद हैं, जल में जब हलचल हुई तो ग्रह के नेत्र खुल गए और मगरमच्छ को लगा कि सरोवर में मेरा कोई शिकार आ गया है, चलो अपने शिकार का भक्षण कर लूं। ऐसा विचार करके ये शक्तिशाली ग्रह सरोवर में उतर करके आया। रात्रि में जैसे निशाचर की माया दुगनी हो जाती है परीक्षित, जल के अंदर ग्रह की शक्ति भी दुगनी हो जाती है। देखो ये अभिमानी हाथी पत्नी और बच्चों के साथ कैसा मग्न हो गया है कि काल के रूप में जो ग्रह इसकी ओर चलता हुआ आ रहा है उसका इसे ज्ञान ही नहीं है। अंदर ही अंदर पूंछ को घुमाता हुआ, तैरता हुआ ग्रह चलता हुआ आया और अचानक आकर के मगरमच्छ ने इस अभिमानी गजेंद्र के एक पैर को पकड़ लिया, दांत नुकीले गड़ा दिए, रक्त का शोषण करना प्रारंभ किया। तब अभिमानी हाथी को लगा, अरे अरे ये मेरा पैर किसने पकड़ लिया? ओहो हो हो, कोई सरोवर का छोटा जंतु होगा, गलती से मेरे पैर को पकड़ लिया। अभी इसको मालूम नहीं कि ये गजेंद्र का पैर है, कोई बात नहीं, बाद में मुझसे अपने आप क्षमा मांग लेगा, कोई चिंता नहीं है। अभिमानी गजेंद्र जल किलोल में ही मग्न रहा। तम तत्र कश्चिन् नृपदेव चोदितो ग्राहो बलियांश चरणे रुषाग्रही। ग्राह ने चरण को पकड़ रखा। थोड़ी देर में जब बहुत रक्त का शोषण हुआ तब गजेंद्र को लगा कि सरोवर के किसी छोटे जंतु ने नहीं, किसी शक्तिशाली ग्राह ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। अपने पैर को छुड़ाने का प्रयास करने लगा लेकिन ग्राह ने हाथी के पैर को ना छोड़ा। जंगल का राजा आज आ गया संकट में और मगरमच्छ हाथी को धीरे धीरे सरोवर के अंदर खींचने लगा। मगरमच्छ बहुत बुद्धिमान होता है और जैसे पानी का मगरमच्छ होता है उसका स्वभाव भी वैसा ही होता है।
मीठे पानी के मगरमच्छ में तो दया का भाव होता है, लेकिन खारे पानी के मगरमच्छ में दया का भाव नहीं होता। ऐसा प्रभाव होता है मगरमच्छ पर अपने जल का। मगरमच्छ सूर्य से ऊर्जा लेकर के जल के अंदर वास करता है। ये मगरमच्छ जल में जब रहता है सज्जनों, तो इसको थोड़ी थोड़ी देर में बाहर निकल के आना पड़ता है और अपने मुख को खोल करके सूर्य से ऊर्जा का संचय करना पड़ता है। उस संचय की हुई ऊर्जा के बाद ये फिर जल में जाता है और शिकार करता है। और मगरमच्छ कभी भी अपने शिकार को सीधे नहीं खा पाता, वो जल के अंदर गोल 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 घूम करके शिकार को सीधे निगलता है और फिर सूर्य के प्रकाश में आके उसको रस के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब महाराज अपने पैर को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रह ने ना छोड़ा। तब अभिमानी हाथी को लगा कि मैं संकट में हूं, अपनी पत्नी और बच्चों से कहा, देखो किसी शक्तिशाली ग्रह ने मेरे पैर को पकड़ लिया है, एक काम करो, ये मुझे अंदर की ओर खींचता है, तुम सब मेरी सूंड से सूंड मिलाओ और मेरे इस विशाल शरीर को सरोवर के बाहर निकालो। महाराज सूंड से सूंड मिलाई गजेंद्र की और इसको सरोवर के बाहर खींचने का प्रयास करने लगे। खींचते खींचते 3 महीने का समय बीत गया, लेकिन हाथी को मुक्त ना करा पाए। अंत में हार करके पत्नी और बच्चों ने गजेंद्र की सूंड को छोड़ दिया, मुख फेर करके वन की ओर चलने को तैयार हुए। गजेंद्र के नेत्रों से तो अश्रु धारा बहने लगी। ये क्या, मैं संकट में, ये मेरे परिवार वाले मुझे छोड़ करके मुख फेर करके कहां जाते हैं? तुरंत कहा, अरे मैं संकट में हूं, मुझे छोड़ करके तुम सब कहां जाते हो? बच्चों ने कहा, पिताजी क्षमा करिएगा, अब आप तो साफ बाहर निकलते नहीं, हम सारी आयु यहाँ थोड़ी खड़े रहेंगे, हमें तो अपने जीवन में बहुत कुछ देखना है, खाना पीना मस्ती करनी है, इसलिए अब आप अपनी रक्षा स्वयं ही कर लो, हाँ हम तो चले यहां से। मुख फेर करके ये चले गए वन के अंदर। सरोवर में गजेंद्र पैर पकड़ रखा है ग्रह ने। शुकाचार्य कहते हैं, गजेंद्र को लगा, अरे मेरा परिवार काम ना आया तो क्या हुआ, मेरा अपना बल किस दिन काम आएगा, क्यों ना मैं ही ग्रह से युद्ध करके अपने को बंधन मुक्त कर लूं। और ऐसा विचार करके गज ग्रह का युद्ध सरोवर के अंदर प्रारंभ हो गया। महाराज कभी हाथी ऊपर, कभी मगर ऊपर, फिर हाथी ऊपर, फिर मगर ऊपर, जल के अंदर तरंग उठने लगी, हलचल होने लगी, विचित्र स्थिति। कभी हाथी मगर को पकड़ के सरोवर के बाहर ले आता है, कभी मगर हाथी को पकड़ के सरोवर के अंदर ले आता है। सारे पक्षी टकटक लगाकर के देखने लगे क्या परिणाम होने वाला। और इस युद्ध को चलते चलते सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित 1000 वर्ष से ऊपर का समय बीत गया, अंत में गजेंद्र को पराजित होना ही पड़ा और ग्रह गजेंद्र को खींच करके सरोवर के जल के बीच में ले आया। अभिमान तो चूर चूर हो गया इस हाथी का, अपना बल भी कुछ काम ना आया। ग्रह ने गजेंद्र को सरोवर के जल के अंदर खींचना जब प्रारंभ किया, परीक्षित इसके चारों चरण जल के अंदर मग्न हो गए। इसका विशाल काय पेट सरोवर के जल के अंदर समाने लगा, जैसे समुद्र में कोई विशाल काय जहाज समाने लग जाए। अब तो केवल इसका मुख और सूंड ही जल के बाहर रह गए और गजेंद्र को समझ में आ गया कि आज मेरी जीवित ही जल समाधि है। नेत्रों से अश्रु धारा बहती हुई सरोवर के जल में मिल रही है। गजेंद्र ने सोचा, मुझे जिनका अभिमान था वे सब मेरे काम ना आए, मेरा अपना बल भी चूर चूर हो गया, क्यों ना अब मैं उसे पुकारूं जिसे मुझे सबसे पहले पुकारना चाहिए था। सुख के समय कहां स्मरण आया परमात्मा का, और जब आ गया संकट, ना दिखाई दिया कोई मार्ग, तो याद आ गई उसकी जिसको सबसे पहले याद करना चाहिए था।
गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया। बड़ी सुंदर स्तुति, संकट के समय ये कर रहा है। इसको गजेंद्र मोक्ष के नाम से जाना जाता है। इसका बड़ा सुंदर अनुष्ठान भी होता है। तो आइए, ये भगवान को पुकार रहा है, हम भी इसके साथ मिलके श्री बांके बिहारी को पुकारें। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हरि बोल।
आज भी गवाया। बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में आया, मूल भी खोया और ब्याज भी गवाया।
रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे अपने बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे अपने बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों पे अपने बुलाती है दुनिया। हर किस न देखूं दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हर किस न देखूं दुनिया का इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं 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 छूट जाए ना दामन तुम्हारा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गजेंद्र भगवान की स्तुति करने लगा।